जो भगवान। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी साहब ने रविंद्र रावल साहब के गीतों को भी अपनी आवाज़ दी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी फिल्में हैं जिन फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी साहब ने रविंद्र रावल साहब के गीतों को अपनी आवाज़ दी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने रविंद्र रावल साहब के गीतों को पहली बार अपनी आवाज़ दी 1981 में, और फिल्म का नाम है हमसे बढ़कर कौन। और इस फिल्म का सबसे पॉपुलर गीत आप लोगों को याद ही होगा, गीत के बोल हैं देवा हो देवा गणपति बाप्पा मोरिया। और ये गीत जो है वो आज भी गणेश चतुर्थी स्पेशल में बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है। और इस बहुत ही खूबसूरत गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब, भूपिंदर सिंह जी, शैलेंद्र सिंह जी, आशा भोसले जी और सपन चक्रवर्ती साहब ने अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत राम लक्ष्मण साहब ने दिया और लिरिक्स रविंद्र रावल साहब ने दिया। और ये गीत बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और इस फिल्म के साथ ही दोस्तों इनकी जुड़ी ना और ऐसी कई फिल्में आई जिनमें एक साथ काम किए। आप लोगों को 1982 की फिल्म उस्तादी उस्ताद से तो याद ही होगा। और इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने दो गीत गाए और दोनों ही गीतों को रविंद्र रावल साहब ने लिखे। आइए कौन कौन से गीत है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला है मेरा नाम अनजानों में, और इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब, कोको कोला और आशा भोसले जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का दूसरा गीत है उस्तादी उस्ताद से, और इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब और आशा भोसले जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस गीत को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। दोस्तों, मेरे ख्याल से बस ये दो ही फिल्में हैं जिनमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने रविंद्र रावल साहब के गीतों को अपनी आवाज़ दी है, और ये तीन गीत है। तो दोस्तों, आप लोगों को मोहम्मद रफ़ी साहब और रविंद्र रावल साहब की जोड़ी जो है वो कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।